हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पूजा। क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ रिचफील्ड ब्राह्मी इंटेंसिव रिपेयर हेयर पैक का लाइव रिव्यू, और ये पैक हमारे बालों के लिए कैसा रहेगा, इसको कैसे हमने यूज़ करना है और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग। तो देखिए पैकेजिंग कितनी अच्छे से इस तरह के कार्डबोर्ड की कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर हमारे को इसका कंटेनर मिलेगा। तो इसको बॉक्स को ओपन करने के बाद में आपको एक कंटेनर इसके अंदर मिलता है इस तरह का, और ये इस तरह का कंटेनर आपको मिलता है। ये 100 ग्राम का कंटेनर है, ये छोटा पैक है हमारे लिए। और ये ब्राह्मी हेयर पैक हमारे बालों की स्मूथनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए कहीं पर भी हमें कॉन्फिडेंट दिखना है तो हमारे बालों का भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो हमें अपने बालों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। तो इसी के लिए मैंने यूज़ करना शुरू किया है ये रिचफील्ड का हेयर पैक, जो कि हमारे बालों को एक अलग सी स्मूथनेस देता है, और जो फ्रिजी हेयर होते हैं हमारे, जो डल हेयर होते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा स्मूथनेस इसको देता है और थोड़ा शाइनी बनाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसका फुल रिव्यू, किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है और कैसे इसको यूज़ करना है, तो रिज़ल्ट इसका यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, किस तरह से हमने इसको यूज़ किया है, लगा करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमें लगाना है। तो सबसे पहले ये रिकमेंड करता है कि हमने रिचफील्ड का ही हेयर ऑयल यूज़ करना है, बट मेरे पास में अभी तो नहीं है, मैंने नहीं मंगाया है। पहले मैं एक ही प्रोडक्ट यूज़ करके देखूंगी, फिर मुझे पसंद आएगा तो मैं दोबारा मंगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने हेयर में ऑयलिंग कर लेनी है। हेयर ऑयल लगाना ज़रूरी है इसको लगाने से पहले, तो ध्यान रखिए जब भी आप पैक लगाने चाहेंगे तो आपको हेयर ऑयलिंग अच्छे से करनी है। हेयर ऑयल लगाएं तो ध्यान रखिए आपको रूट्स में बहुत अच्छे से हेयर ऑयल लगाना है। अच्छे से हमें ये ऑयलिंग कर लेनी है बालों में। तो ऑयल मैंने कर लिया है बालों में, अब आते हैं हम पैक लगाने के लिए। तो ऑयलिंग करने के बाद, जब मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हमेशा ये जो पैक आपको लगाएं, अगर आप रिचफील्ड का ये पैक लगाने जा रहे हैं तो ऑयलिंग जरूर कर लीजिए अपने हेड में। अब हम इसका जो पेस्ट है देख लेते हैं किस तरह का है। तो मैंने आपको बॉक्स का खोल के दिखाया था, फिर भी देख लीजिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है, और काफ़ी थिक है ये पेस्ट, बहुत ही थिक है। और ये देखिए कितनी अच्छा इसका टेक्सचर है, काफ़ी थिक है ये, और इसलिए हमने ये एक बाउल में इसको निकाल लेना है। तो देखिए एक से दो चम्मच में इसमें ले लूँगी, एक चम्मच ही मैं आज लेती हूँ। ये देखिए 1 स्पून पूरा मैंने लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे वाटर। तो काफ़ी थिक है ये, तो इसमें हमें करना होगा ऐड थोड़ा वाटर। तो वाटर ऐड कर लिया, देखिए मैं इसमें वाटर ऐड कर लिया है मैंने, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये वाटर को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। अभी भी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। तो अगर आपके बालों की लेंथ मेरे बालों के बराबर है तो ये 100 ग्राम का पैक आप दो बार यूज़ कर पाएंगे। बाकी कुछ इस तरह से रेडी हो गया है, अब हमें ये बालों में लगाना है। तो हेयर ऑयल हमने कर लिया है बालों में, तो हम यहाँ पर मैं हाथों की हेल्प से यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, एंड्स में रूट्स में हमें यहाँ पर ज़रूर लगाना है ये पैक, ताकि हमारे जो बालों की झड़ने की समस्या है वो हमारी दूर हो पाए। तो यहाँ पर हम एंड्स में सबसे पहले, यानी कि सॉरी मैं बार बार एंड्स बोल रही हूँ, तो रूट्स में सबसे पहले हमको ये अच्छे से पैक लगा लेना है। तो इस तरह से पूरा मैं रूट्स में लगा लूँगी। ब्रश से मैं कंफर्टेबल नहीं कर पाती हूँ फील, क्योंकि अपने आप से लगाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आप लगा पाते हैं ब्रश से ईजिली तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपका ये हेयर पैक बहुत अच्छे से लग पाएगा। तो लेकिन मैं अपने हाथों से लगाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो इसलिए मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ। तो चॉइस आपकी है, आप जैसी मर्जी लगाएं। तो ये देखिए मैं पूरी रूट्स में, बालों के पूरे हेड में रूट्स में मैं लगाऊंगी पहले। तो छोटे छोटे सेक्शंस आपको बालों के निकाल करके पूरी तरह से आपको ये रूट्स में अच्छे से लगा लेना है। तो देखिए फ्रंट साइड में मैंने लगा लिया है, इसी तरह से बैक साइड में भी मैं लगा लूँगी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये मेरे रूट्स में, बालों के रूट्स में लग चुका है। देखिए अभी भी आप इसकी
बहुत अच्छे से ये बालों में लग पा रहा है। तो देखिए रूट्स में मेरा लग चुका है, अब मैं बाकी के जो पैक है उसमें से लेंथ में भी लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरे बालों में इनको अच्छे से लगा लिया है और रूट्स में भी इसको अच्छे से लगा लिया है और एंड में भी अच्छे से लगा लेना है। तो जितना भी पैक है बाकी का बचा कुचा मैं सारा इसके स्प्लिट एंड्स में लगा लेती हूँ, क्योंकि इनको भी तो मुझे अच्छा नरिश करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भद्दे बाल यहीं से लगते हैं। तो अच्छे से आपको ये हेयर में लगा लेना है। तो ये मेरा पैक लग चुका है, को लगा करके हमने 20 मिनट छोड़ देना है। ऐसे मैं बन बना लूँगी इसका। इसको हम अब बालों में छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 से 30 मिनट आपको मैक्सिमम, 45 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं रखना है, मैक्सिमम आपको 45 मिनट रखना है, बट मैं इसको आधा घंटा रखने वाली हूँ। हाँ तो 30 मिनट मुझे हो चुके हैं इस पैक को लगाए हुए। 30 मिनट के बाद अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। तो वॉश करने के बाद जल्दी से मिलते हैं हम आपको इसके फाइनल रिजल्ट के बाद। और देखिए ये बिल्कुल लाइव रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ कि किस तरह से हमारे बालों में यूज़ करना है और इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो फीडबैक जो भी मिलने वाला है वो मैं आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी। तो मिलते हैं झटपट से हेयर वॉश करने के बाद। तो देखिए हेड वॉश मैंने कर लिया है और ये देखिए बालों में एक अलग सा बाउंस आ गया है, बहुत ही सिल्की से मेरे बाल हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा सा लुक बालों में आ गया है। हाँ मैं ये कहूँगी कि मेरे बाल एकदम स्मूथ हो गए हैं, बट शाइन तो देखिए जैसे मेरे बालों की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी फ़र्क, अच्छा रिज़ल्ट मुझे ये पैक ने दिया है। काफ़ी अच्छा रहा है ये पैक मेरे बालों के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है, उतने में ही ये काफ़ी अच्छा स्मूथनेस मेरे बालों में इसने दी है। फ्रिजी बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई हेयर थे तो थोड़ा सा बाउंस इसमें अच्छा आया है और थोड़े सिल्की भी हो गए हैं बाल। तो मैं तो कहूँगी कि ये वाला जो हमारा हेयर रिपेयर पैक है आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपको तभी अच्छा मिलेगा जब हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। एक बार मैं प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मैं अगर मैं ये कहूँ कि ये यूज़लेस होगा तो मैं बिल्कुल गलत रहूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ सिर्फ एक बार खाने पर या एक बार लगाने पर वो रिज़ल्ट नहीं देती है जो कि रेगुलर यूज़ करने के बाद में हमें देती है। तो कोई भी चीज़ अगर आप खाने की यूज़ करते हैं तो रेगुलर बेसिस पर यूज़ कीजिए, हफ्ता, दो हफ्ता, 15 दिन, महीना, तब आपको पता चलता है कि उससे हम आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो एक ही बार में रिव्यू देना और ये बोलना कि प्रोडक्ट ख़राब है ये बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है तो हो सकता है सेकंड टाइम में ये और भी अच्छा रिजल्ट दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैक मेरे बालों में दो बार यूज़ हो जाएगा, तो सेकंड बार मैं जब यूज़ करूँगी तो मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी उसका रिज़ल्ट कि क्या रिज़ल्ट मुझे इसका मिला है। और अभी तो मैं फ़िलहाल यही कहूँगी कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथनेस मेरे बालों में दे दिया है। मेरा हाथ बार बार मेरे बालों में जा रहा है क्योंकि काफ़ी सिल्की से बाल हो गए हैं। तो आप भी जा सकते हैं रिचफील्ड के ब्राह्मी इंटेंसिव हेयर रिपेयर के पैक के साथ। और इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो मैं एक स्क्रीनशॉट इसमें दे देती हूँ आपको, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं अपने आपको बता ही दिया है कि हमारे बालों को थोड़ा स्ट्रेंथ देता है और जो फ्रीजी हेयर है उनको और जो डैमेज्ड हेयर है उनको स्मूथ करता है, उनको अच्छे से शाइन देता है, एक बाउंस हमारे बालों में देता है, काफ़ी स्मूथ हमारे बालों को ये बनाता है। आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरे हाथ हमारे बालों में ही जा रहे हैं बार बार, क्योंकि काफ़ी अच्छे सिल्की रिजल्ट इससे मुझे इसका मिला है। तो आप भी जा सकते हैं इस पैक के साथ में, मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। आप भी यूज़ कीजिए और अपना रिज़ल्ट और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।